यूपी विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। ममता बनर्जी इन चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए लोगों से वोट की अपील कर रहेंगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी आज अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ पहुंची थी, एयरपोर्ट पर जोरदार तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। तो ममता बनर्जी का एसपी को अब साथ मिल गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि इससे पहले विपक्ष की एकता को दिखाने की कोशिश ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की थी, तो अखिलेश यादव भी एक मंच पर ममता बनर्जी के साथ नजर आए थे और अब ममता बनर्जी लखनऊ कल पहुंची। जोरदार स्वागत अखिलेश यादव की तरफ से किया गया, यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव को चुनावी समर में ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। खबर यह भी है कि एक या दो उम्मीदवार टीएमसी के सपा अपने सिंबल पर उतार सकती है। आज के कार्यक्रम में अपने दर्शकों को बताएं कि करीब 11:30 बजे के वक्त लगभग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों नेता यानी कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि ममता बनर्जी जो खास तौर पर किन सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बर रही हैं, किस तरीके से तीखे वार चलाती हैं। अलमरा खान हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गई हैं। अलमरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का पूरा साथ दीदी का मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं और खास तौर से कल जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंची तो अखिलेश यादव अपने पूरे व्यस्त कार्यक्रम से, क्योंकि चुनावी कार्यक्रम उनके लगे हुए थे, उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पे वो उनको मिले, अभिनंदन किया और साथ ही साथ उनको वापस लेकर के आए हैं। देखिए ममता बनर्जी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चुनाव में प्रचार किया था, उसको देखते हुए ममता बनर्जी खुद लखनऊ आई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए वो आज वोट मांगेंगी। सबसे पहले तो 11:30 बजे अखिलेश यादव के साथ ममता बनर्जी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पार्टी कार्यालय में। उसके बाद दोनों वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर ममता बनर्जी जनता से आग्रह करेंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें। देखिए ये जो वर्चुअल रैली है वो कितने बजे होनी है और कितनी विधानसभा को संबोधित इस वर्चुअल रैली के जरिए किया जाएगा? देखिए 58 सीट पर अभी पहले चरण का चुनाव है, यानी कि आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा 5 बजे के बाद से। आज आखिरी दिन है प्रचार का। ऐसे में मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, इन शहरों में वोटिंग होनी है, यानी कि 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग होनी है 10 फरवरी को। उसको देखते हुए ममता बनर्जी जिस तरीके से लखनऊ आए हैं, अखिलेश यादव से मिली और अखिलेश यादव के साथ मिलकर के आज वो 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। देखिए ममता बनर्जी यहाँ पर जनता से अपील करने के लिए आई है कि अखिलेश यादव के पक्ष में वोट करें। जितनी भी 403 विधानसभाएं हैं उन सभी के लिए ममता बनर्जी आज प्रचार करेंगी वर्चुअल। चूंकि हम कुछ यहाँ पर आपसे सियासी गुड़ा भाग भी समझने की कोशिश करते हैं, टीएमसी का बहुत जनाधार तो रहा ही नहीं है, बहुत तो नहीं बिल्कुल ही नहीं रहा है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में ममता बनर्जी को यहां बुलाकर प्रचार करवाना, किस तरीके मैसेज देने की कोशिश है, क्या स्ट्रेटेजी है इसके पीछे अखिलेश यादव की? देखिए लार्जर देन पिक्चर में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी ने अपने दम पर सरकार बनाई। देखिए ममता बनर्जी एक बड़ी लीडर के तौर पे जानी जाती है, ऐसे में भले ही उनका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार ना हो लेकिन देश में उनका जनाधार है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के लिए ममता बनर्जी जैसे स्टैचर की लीडर आती है और वोट की अपील करती है जनता से तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है जनता में। देखिए अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल गए थे और उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के लिए की अपील करी थी जनता से, ऐसे में ममता बनर्जी भी इस वक्त जिस तरीके से ये विपक्ष एकजुट हो चुका है बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए, ऐसे में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का ये दाव जनता पर एक बहुत अलग छाप छोड़ने वाला है। देखिए आज बड़ी वर्चुअल रैली को ममता बनर्जी संबोधित करेंगी जहां एक और सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, क्योंकि आज अंतिम तेज होगा पहले चरण का प्रचार का, तो ऐसे में सभी राजनीतिक बड़े बड़े जितने भी चेहरे हैं सब प्रचार के लिए बाहर निकले हुए हैं। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले फेज का वोटिंग 10 फरवरी को होना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर लगभग
जी 100 के ऊपर सीटों पर चुनाव होना है। पहले खबरें ये मिल रही थी कि हो सकता है एक दो उम्मीदवार टीएमसी की तरफ से उतारे जाए और वो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े, इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए ये सारी अटकलें थी क्योंकि टीएमसी का कोई जनाधार यहाँ पर है नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि सिर्फ आरएलडी के साथ और ओम प्रकाश राजभर के साथ ही उनका पैक्ट हुआ है। ऐसे में अगर टीएमसी उनके साथ वोट मांगती सीट मांगती तो अखिलेश यादव जरूर उनको एक दो सीट दे देते। कैलामदा नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट।